Mr. Mathur, my first question to you is about the stand that Shiv Sena has taken. Yesterday they took a stand. Mr. Uddhav Thackeray came out and said very clearly that he is not going to give any proposals to the BJP. He's sitting there in Mathurshi. He wants people to come and give proposal to him, basically meaning the BJP. What is the BJP's current stand on that? No, no proposal has not come to us. No kind of proposal has come to us. उन्होंने बोला वो नहीं देंगे प्रपोजल, दे वांट बीजेपी टू कम इन गिव प्रपोजल। बीजेपी सोचेगी इस मामले में केंद्रीय पार्टियों में पार्लियामेंट बार वोट दे करेगा हमारा, हम लोग नहीं करने वाले हैं और हमारे पास जो भी आने चाहते हैं वो आएंगे, हम उनको स्वीकार करेंगे। So what is the plan ahead as far as the legislative party meeting is concerned? It was supposed to happen today, but it's been cancelled. What is the plan? How the देखिए पहले तो आप ये तय करिए कि कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, मीटिंग हमने अनाउंस की नहीं थी, आप लोगों ने चलाई कि मीटिंग है। अभी तो आज मीटिंग आए हैं मिलने के लिए, पार्टी तय करेगी, तय करने के बाद हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर आएंगे, उसमें हमारे नेता का चयन होगा। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने हमको सिर्फ एक डायरेक्शन दिया है कि अपना नेता चयन करो, उसको हमको तारीख देकर दिल्ली को बताना, वो आ जाएंगे, हम नेता चयन करेंगे, बस इतना है। सर, ऑन द एनसीपी प्रपोजल इवन टुडे मिस्टर शरद पवार हेल्ड अ लॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ट्राई टू जस्टिफाई व्हाई ही इज गिविंग सपोर्ट टू द बीजेपी, गोइंग ऑन टू से दैट ओनली स्टेबल गवर्नमेंट व्हाट ही नीड्स एंड ही विल स्टे आउट ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ द बीजेपी हैज नॉट रिजेक्टेड देयर प्रपोजल, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द बीजेपी? हमने पहले दिन ही कहा है कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र की उन्नति के लिए, महाराष्ट्र के साथ निभाने के लिए जो भी हमारे साथ आएंगे हम उनका सबका साथ लेंगे, लेकिन ये निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करेगा। सर, विल यू बी ओपन टू द एनसीपीज प्रपोजल बिकॉज योर कैंपेन वाज अगेंस्ट इट? सारे ऑप्शन ओपन है। योर ऑल ऑप्शंस आर ओपन? यस। डिस्पाइट हैविंग अ कैंपेन अगेंस्ट, सरकार बनाने के लिए हमारे सारे ऑप्शन ओपन है। नाउ सर, टुडे पृथ्वीराज चवन जी मेड अ वेरी पॉइंटेड एलिगेशन अगेंस्ट the BJP, saying that BJP and NCP were in tacit understanding, that's why they broke up. क्या allegation लगा था इसको, हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं, जनता ने हमें verdict दिया, हम जनता के साथ हैं, महाराष्ट्र का विकास करना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।